हेलो दोस्तों, तो नवंबर के इतने बड़े बीमारी के सेशन के बाद मैं वकांडा फॉरएवर मूवी देख के आया हूँ और हाल ही फिलहाल ही उसका क्या रिव्यू रहेगा और कितना कुछ उसमें मैं देख के आया हूँ और क्या क्या मैंने फील करा है उसी के बारे में बात करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मूवी की शुरुआत का पहला ही सीन उसका ट्रेडिशन वाला होता है, यानी कि आपको पहले ही दिखा दिया जाता है कि उसके समाधि को किस तरह से वो अपने रिचुअल के हिसाब से उनको सम्मान देते हैं और टोटली किस तरह से, यानी उनका जो म्यूज़िक होता है, उनकी जो फील होती है, वो उसको टोटली कैसे बहुत ही सुंदर तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पहलू पे मूवी आती है कि अब ब्लैक पैंथर नहीं रहा है, ब्लैक पैंथर यानी कि उनका वकांडा का राजा अब एक्सपायर हो चुका है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी होती है बात। और ये बात को लेके पार्लियामेंट से लेके हर जगह डिस्कशन होती है। अब बात आ जाती है सारी वाइब्रेनियम के ऊपर। वाइब्रेनियम दुनिया का सबसे पावरफुल मटेरियल जिसको पाने के लिए हर कोई तरसता है। और हाँ, इसके बाद जो पहलू आता है वो पूरी की पूरी गेम पलट देता है, यानी कि वकांडा की तरह ही एक और दुनिया है जिसके अंदर वाइब्रेनियम मिलता है और वाइब्रेनियम की वजह से ही वो आगे अपनी दुनिया बसा के रखे होते हैं। नोम एक ऐसा इंसान जो पानी के अंदर जीवित रहता है और ज़मीन पर भी जीवित रहता, उड़ भी सकता है। ही इज़ वेरी पावरफुल विलन नेक्स्ट लेवल। एक ऐसा रोल जिसको निभाने के लिए सिर्फ वही इंसान को चुना गया जो एक्चुअलिटी इसके लायक था। क्या एक्टिंग करिए ब्रो। उसके बाद अब वकांडा के ऊपर ये बहुत बड़ी मुसीबत थी कि वो नॉम से कैसे खुद को बचाएगी, क्योंकि उनके पास तो ब्लैक पैंथर था नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमारे जो ब्लैक पैंथर वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उन्हीं की याद में, यानी कि उन्हीं को ट्रिब्यूट करी गई ये मूवी ब्लैक पैंथर यानी वकांडा फॉरएवर। एक बहुत सक्सेसफुल मूवी कही गई है, क्योंकि मैं जब मूवी देख के आया तो यार मेरी भी आंखों में कहीं ना कहीं नमी थी उनको लेके, बिकॉज ही इज एक्चुअली डिजर्व्ड हीरो मैन। उनकी जैसी एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता यार। वकांडा को बचाना बहुत ही मुश्किल था और मेरे ख्याल से इसका सेकंड पार्ट आएगा ही आएगा। हाँ, अब इस पार्ट पे वो नॉम उड़ने लायक तो बचा नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर इतनी जरूर हिम्मत है कि वो वकांडा से दोबारा पंगा लेगा। लेकिन इस बार हमारे पास ब्लैक पैंथर होगा, लेकिन वो सेना की ताकत और वो जो सेना की स्ट्रेंथ वो हालांकि कम है। आई डोंट नो कैसे वकांडा को बचाया जाएगा और कितना कुछ स्ट्रगल करा जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन आएगा, अगला पार्ट आएगा और देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है और नॉम किस तरह बदल लेते हैं, वो भी कुछ अलग वे से ही लेगा, क्योंकि नॉम एक्चुअली बहुत पावरफुल इंसान है, उसके बाद बहुत पावरफुल सेना है और वकांडा से कहीं ज़्यादा सेना वो लेके बैठा हुआ है। और ही इज़ एक्चुअली लव आवर प्रिंसेस, मुझे तो लगा था, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट था जब उसने अपनी माँ का ब्रेसलेट उसको दे दिया था और उस पॉइंट पे जाके मुझे एक्चुअलिटी ये फील हुआ कि भाई हाँ, ही लव प्रिंसेस। बाकी देखते हैं मूवी में आगे क्या होता है, बाकी सेकंड पार्ट में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, या आएगा या नहीं आएगा, उसका भी बेशक वेट रहेगा। लेकिन ये मूवी एक्चुअलिटी में बहुत ही अच्छा काम कर गई और बहुत इमोशनली और ट्रिब्यूटेड मूवी थी। और एक्चुअली दैट मैन डिजर्व्ड ट्रिब्यूशन यार, क्योंकि उस जैसा कोई रोल आज तक कर ही नहीं पाया। यह सब आप भी बोलते हो यार, और हार्टली ये बात बोलता हूँ कि ब्लैक पैंथर वी रियली मिस यू एंड आपके आत्मा को शांति मिले यार। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। नवंबर के बीमारी के सेशन के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है बिकॉज 10 दिन तो लेट आई बड़ा था गाइस, तो अब दोबारा से शुरू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे ना ब्रो। वीकेंड में नहीं, इस बार वीकेंड में 2 वीडियोज़ निकालने की कोशिश करेंगे और जुड़ते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अभी तक आपने करा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सो